$45 आपको हमें इसमें मिले हैं डिलीवरी करके, इसके मिल रहे हैं 8.75 और मतलब टोटल मिला के दूसरा भी है तो $13 समथिंग इसके मिलेंगे। ओके, तो आज सैटरडे हम लोगों की छुट्टी थी, घर पे हो रहे थे बोर, तो हमने सोचा कि आज ट्राई करते हैं डिलीवरी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पूछा था पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह के बारे में और यहाँ पे डिलीवरी जॉब्स बहुत कॉमन है। हमको पता नहीं है उसमें कितना पैसा मिलता है क्या होता है, बट उसकी हाइप बहुत ज़्यादा है कि उसमें अच्छा पैसा मिलता है डिलीवरीज में, फूड डिलीवरी होती हैं या फिर इंस्टाकार्ट वगैरह जो होता है जिसमें आप दूसरों के लिए ग्रॉसरी डिलीवरीज करते हो। तो आज वो ट्राई करेंगे और देखते हैं उसमें कितना पैसा मिलता है, क्या उससे आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं, और जनरली कि आप कितनी देर में कितना पैसा उसमें कमा पाते हो। तो अभी पहली डिलीवरी हमने एक्सेप्ट करी है, सामान वॉलमार्ट से उठाना है और कहीं और छोड़ना है, ज़्यादा सामान नहीं है, बट फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे किया और कितने पैसे उसमें मिल रहे हैं। ओके, और आज दूसरी बात, हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी में और साउंड की क्वालिटी में डिफरेंस लगे, बिकॉज मैं शूट करता हूँ अपने फ़ोन से और आज मैं शूट कर रहा हूँ DSLR से। मैं अभी इस फ़ोन से दिखाऊंगा कि मैं किस DSLR से शूट कर रहा हूँ। तो ये वाला DSLR है जिससे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली ये DSLR यूज़ करता था शूट्स वगैरह के लिए, लेकिन आज मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है। मैं YouTube के लिए फ़ोन यूज़ करता था, ये वाला फ़ोन यूज़ करता था, लेकिन आज इसमें स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं DSLR ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो जो ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, उसका नाम है इंस्टाकार्ट। इंस्टाकार्ट में ये होता है कि इंस्टाकार्ट में लोग ग्रॉसरीज मंगाते हैं उस, और इंस्टाकार्ट में हम लोग ग्रॉसरी जो शॉप करते हैं वो अलग अलग मार्ट से, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, सुपर स्टोर हो गया, अलग अलग जगहों से हम ग्रॉसरी खरीद के जहाँ से जिसको चाहिए होगी वहाँ से लेके दे देते हैं। साइनअप कैसे करना है? साइनअप प्रोसेस बहुत सिंपल है। जितने भी यहाँ पे डिलीवरी ऐप्स हैं, स्किप द डिशेस हो गया या फिर ऊबर ईट्स हो गया, जैसे कि इंडिया में जोमेटो स्विगी हैं, वैसे यहाँ पे भी ऐप्स हैं। बहुत सिंपल है, आप अपनी डिटेल्स डालते हो, एक दो हफ्ते में वो आपका सब कुछ चेक करके, ड्राइविंग रिकॉर्ड वगैरह चेक करके आपको अप्रूव कर देते हैं। आपको उसमें अपनी डिटेल्स डालनी पड़ती है, कार की, अपने लाइसेंस की और बेसिक इन्फो, हर ऐप की ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके बाद जब आप अप्रूव हो जाते हो तो इंस्टाकार्ट वाले आपको एक दो क्रेडिट कार्ड भेजते हैं। ये कार्ड्स आप यूज़ करते हो शॉप करने के लिए, तो कस्टमर ऑर्डर देगा इंस्टाकार्ट को, इंस्टाकार्ट आपको बोलेगा कि इस डेस्टिनेशन से सामान उठा के आप यहाँ पे दो, और आपको वो जो कार्ड इंस्टाकार्ट ने जो आपको कार्ड दिया है वो यूज़ करना है वो ग्रॉसरी बाय करने के लिए। ओके, तो आज हम इंस्टामार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो नए इमिग्रेंट्स हैं उन पे बहुत कॉमन है फूड डिलीवरी के ऐप्स, जो कि रेस्टोरेंट से आप फूड उठाते हो और कस्टमर को देते हो, जैसे कि इंडिया में होता है स्विगी जोमेटो, यहाँ पे होता है स्किप द डिशेस, ऊबर ईट्स, डोरडैश, वो भी बहुत कॉमन है। उसमें अभी मुझे नहीं पता है कितना पैसा मिलता है, क्या कुछ है, बट मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो वो करते हैं, या फिर हम भी खुद भी एक दिन ट्राई कर सकते हैं, तो एक दिन ट्राई करेंगे और उसमें भी देखेंगे कि कितना पैसा मिलता है, क्या वर्थ इट है या नहीं है, क्योंकि ये जो डिलीवरी ऐप्स यहाँ पे हैं ये बहुत कॉमन है और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं सबको, तो जब आपका मन करे आप डिलीवर कर सकते हो। तो फिर देखेंगे हमारा कैसा एक्सपीरियंस होता है, ये भी हम सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए आज ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी किया नहीं था, तो बताना है औरों को भी और ख़ुद भी ट्राई करना है कि आखिर ये क्या है और कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है। और ये सामने ये देखो, यहाँ पे एक कसीनो है, इस कसीनो में हम आए थे और मैंने इस कसीनो का वीडियो भी बनाया था जो कि इस चैनल में होगा, तो अगर नहीं देखा तो देख लें। हाँ, और इंडिया में सब बोल रहे हैं तेल महंगा, भाई हर जगह तेल महंगा, यहाँ देखो, और भाई गैस के प्राइसेस ये देखो इतने महंगा, $2.03 की गैस हुई है आजकल, बहुत महंगा यहाँ पे भी गैस हो चुका है गाड़ी का। तो ये भी कंसिडर करना पड़ेगा डिलीवरी जॉब में आपको कि आपकी गैस कितनी लग रही है। ऐप का ना ये इंटरफेस है, ये हमने लिया
और इसमें ये हमको बता रहा है, ये ऐसे आता है कि आपको ये इतने इतने आइटम लेने हैं। तो अभी ये था तो हम ऐसे ही सारे आइटम्स इधर उधर से उठाएंगे, सेलेक्ट किया और काउंट आइटम अगर मिल गया तो। और ये फोटो ले लो बताने के लिए कि हमने भैया ये सच में ही लिया हम उसके अंदर। और ये है यहाँ का वॉलमार्ट। देखो ऐसे हमने बार कोड स्कैन करना है, ये सब्जी का पैकेट लेना है। हाँ ये सब्जी है, सब्जी का पैकेट लेना है। और फिर अगर वो सही सब्जी है तो उसका बार कोड स्कैन करना है, अगर वो सही होगा तो वो हो जाएगा, ये नहीं है मतलब दूसरा होगा। भाई जो भी ये सामान जिसने भी ऑर्डर किया होगा ना उसने, देखो जूस आइस टी और ये भाई पीने वाला आदमी है ये, जो भी है इतना सारे जूस चाहिए। इतना सारा सामान लेने के बाद हम जो इंस्टाकार्ट का कार्ड है उसका पासवर्ड भूल गए। सामान आया 300 समथिंग का बट हम पासवर्ड ही भूल गए। बेइज्जती हो रही है, यहाँ खड़े हैं कोने में, देखते हैं क्या होगा। तो ये आ रहा है हमारा सामान और शॉपिंग कंप्लीट। तो इसके बाद हमने लेनी है रसीद की फ़ोटो लेनी है इसके बाद। और ये हमारा सामान आ रहा है यहाँ से, आ चुके हैं बाहर और हमारी शॉपिंग हो गई है डन। तो ये सब शॉपिंग करने के बाद हमको खींचनी है, दादी ने ढूंढ दी है, हमको लेनी है ये रसीद की फ़ोटो और ये अपलोड कर देनी है ऐप में। तो ये फ़ोटोज़ हो गई जी डन और ऐप में ये हो गई अपलोड पूरी रसीद की फ़ोटो। और ये है वॉलमार्ट, बहुत बड़ा है आज। ओके तो हम लोगों की शॉपिंग डन, हमें एग्जैक्ट लगे हैं घर से कितने बजे निकले? 4 बजे, 2 बजे हम यहाँ आए थे, 1:45 में। ऑलमोस्ट दो घंटे हमको लगे हैं सिर्फ शॉपिंग करने में, क्योंकि वॉलमार्ट बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा सामान था, इसलिए हमें 2 घंटे यहीं लग गए। अब 2 घंटे के बाद हमको जाना है ये डिलीवर करने जिसने मंगाया है उसके घर पे। और थक तो बहुत गए हैं, साथ में देखते हैं क्या होता है, चेक करेंगे अभी, देखेंगे। थक गया मैं, बहुत थक गया आज। तो ये देखो हम रेसिडेंशियल एरिया में पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घर जैसे कि कनाडा के घर हमें पसंद आई। और एक छोटा सा पार्क है यहाँ पे मोहल्ले के बीच में, तो इनमें से ही किसी घर में हमको जाना होगा, मतलब बाहर ही बुलाना पड़ेगा उनको। नहीं बाहर रहे और बताते हैं। ये देखो कितना पुराना भूतिया घर है, वो चोर बैठ रहा है दरवाजे में। तो देखते हैं अभी, ये छोटा सा पार्क यहाँ पे है जहाँ बच्चे खेलते हैं, हर मोहल्ले में ऐसा एक पार्क यहाँ पे होता है शायद। $45 आपको हमें इसमें मिले हैं डिलीवरी करके, तो $45 के लिए हमने स्पेंड किए तीन घंटे हमने लगाए। हम गए एक वॉलमार्ट में, वहाँ से सामान लिया, उसमें अपनी मेहनत लगाई, कार चला के आए, पेट्रोल गैस उसमें यूज़ हुआ, इन सब के लिए हमको मिलते हैं $45। तो अगर आप अपने पेट्रोल का खर्चा इससे हटा दोगे गैस का तो ऑलमोस्ट कितना होगा? $6-7 का तुम लगा लो गैस, $6-7 की आप गैस लगा लो, मतलब पेट्रोल $6-7 का पेट्रोल लगा लो, तभी भी आपके अराउंड $40 तक बच जाते हैं। लेकिन ये $40 आपको मिले हैं 3 घंटे की मेहनत के बाद, जिसका एवरेज बनता है अराउंड $15 $12 इसका एवरेज बनेगा, बेसिक पे उससे जो कि बेसिक पे से कम है। तो हाँ आपको जितना और जॉब्स में मिलेगा 1 घंटे का, उससे कम आपको डिलीवरी वाली जॉब में मिलता है, और अगर आप गैस का प्राइस हटा दो। और अभी हमने इसमें कार का नहीं लगाया क्योंकि हम कार भी अपनी यूज़ कर रहे हैं, कार भी तो डिप्रिशिएट होती है, कार का भी नहीं लगाया। बट लेस देन बेसिक पे पर आर का एवरेज निकला है हमारा इसमें। और अगर आप लोग फ्री हो, लगता है घर में फ्री बैठे हैं, कुछ करने के लिए है नहीं, बोर हो रहे हैं, तो फिर क्यों ना पैसे ही कमा लो, तब के लिए ये जॉब बहुत अच्छी है। मतलब फुल टाइम तो नहीं, पर ऐसा साइड बिजनेस, साइड हसल आप लोग जा सकते हैं और साइड बाय साइड ये कर सकते हैं। बट इसमें ये भी है ना कि तुम
क्योंकि सेम ही स्टोर्स वगैरह है, हाँ, तो आप धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे कि कौन सी चीज़। हाँ, हमको थोड़ा टाइम इसलिए भी लगा, हमको टाइम इसलिए भी लगा वॉलमार्ट में, क्योंकि पहली बार हमने कि हमें पता नहीं था कौन सा सामान कहाँ पे क्या करना है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। फिर एक बार जो इंस्टाकार्ट वाले कार्ड देते हैं वो नहीं चला, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लगा। बट अगर आप लोग चाहते हो तो अच्छी चीज़ है, नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल जॉब है वो तो करो, उसमें ज़्यादा पैसा इससे मिलेगा। लेकिन संडे को फ्री बैठे हो, बोर हो रहे हो, घर में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा तुम ये काम कर लो, एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे जिससे तुम एक अच्छा खासा अपनी लाइफ गुजारा कर सकते हो। तो हाँ, संडे को तुम्हारी छुट्टी है, या जो स्टूडेंट्स हैं नए यहाँ पे आते हैं, नए जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको 20 आवर्स ही अलाउड होता है, तो ये कर सकते हैं ना। इसमें टाइम रिकॉर्ड नहीं होता है इसमें, तो इसमें जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको सिर्फ 20 आवर्स अ वीक काम करना है अलाउड है। आपने अगर 20 आवर्स काम कर लिया है तो आप ये वाला कर सकते हो, डिलीवरी वाला, बिकॉज इसमें टाइम रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं होता है। आप 2 घंटे लगाओ, 4 घंटे लगाओ, एक्स्ट्रा इनकम अगर चाहिए तो भी ये कर सकते हो। और फालतू घर में बैठने से अच्छा तो ये है कि तुम कुछ कर लो। तो ये था हमारा एवरेज, इसका हमको 40-45 डॉलर्स मिले हैं, जिसका खर्चा निकाल के एवरेज आया है अराउंड 12-13 डॉलर्स पर आर, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की बेसिक बेसिक कम है। तो अगर आप कहीं और जॉब करोगे आपको इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आपने 20 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं या आपको साइड में ये करना है तो ये बढ़िया है, बेकार नहीं है, बढ़िया है, आप कर सकते हो। तो अब इस कंक्लूजन में आने के बाद हम लोग जाएंगे स्टारबक्स या टिम हॉर्टन्स, टिम हॉर्टन्स या स्टारबक्स चलेंगे, क्योंकि हालत हो चुकी है ख़राब, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, अब अपने को चाहिए एक चाय। ओके, तो घर से बाहर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, ये देखो आप इतने प्यारे पेड़। ओके, तो इंस्टाकार्ट करके हमने देखा था, आज हम देखेंगे फूड डिलीवरी करके। डोरडैश एक ऐप है, उससे आज हम फूड डिलीवरी करके देखेंगे, ताकि हमको पता लगे कि दोनों में प्राइस का कितना डिफरेंस है। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि फूड डिलीवरी में ज़्यादा पैसा है, और कॉमन यहाँ पे फूड डिलीवरी ही है। तो अभी हम वो करके भी देखेंगे, बट फिलहाल आप देखो रोड, मौसम वैंकूवर का अब अच्छा हो चुका है फाइनली, ये देखो। तो यहाँ पे हम कार पार्क करेंगे और जाएंगे, यहाँ पे कर सकते हैं क्या? मंडे टू फ्राइडे 6 PM, ओह 6 PM तक नो पार्किंग, बट अभी कर सकते हैं, ये देखो लिखा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पार्क कर सकते हैं और यहाँ पे कार पार्क करके जाएंगे रेस्टोरेंट, और वहाँ से उठाएंगे अपना सामान जो चाहिए, लिखा रहता है सब ऐप में, और उसको लेके डेस्टिनेशन में डिलीवर करना है। पता नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा अंदर या नहीं, बट फिर भी चेक कर पाऊँगा। तो ये सामान हमने उठा लिया है, ये देखो सामान, अब इसमें दिखाओ ना जरा, ये डेस्टिनेशन है, किसी का घर है तो यहाँ जाना है, कार वहाँ पे है, उठाएंगे चलेंगे। ये है कार हमारी। काश ये कार होती, पोर्श, देखो। तो एक बार ये पैकेज भी दिखा देता हूँ मैं, तो ये देखो, ये डोरडैश, इसमें लिखा है और इसमें सारी चीज़ें जो जो उन्होंने मंगाई है, जैसे कि आप देख सकते हो, चिकन मंगाया है, बीफ मंगाया है, और प्राइस इसमें लिखा है, बट हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कस्टमर के लिए, हमको सिर्फ डिलीवर करना है। चलिए फिर। और ये टिम हॉर्टन्स, कनाडा की आन बान शान, इंटरनेशनल स्टूडेंट को जीवन देती है टिम हॉर्टन्स। इसमें $3 की टिप भी मिली है देखो, और टोटल कितने पैसे मिले? $8.75 ओके, $8.75 $8.75 मिले हैं इस डिलीवरी के लिए। $10 किलोमीटर चलाने के $8.75 प्लस $3 टिप मिली है। टाइम हमको कितना लगा? 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो 20 मिनट में 10 किलोमीटर ड्राइव करके आपको डोरडैश में मिले हैं ऑलमोस्ट $11-$12 इंक्लूडिंग टिप। तो इससे आप अंदाजा लगा लो, इंक्लूडिंग टिप 7-8.75 इंक्लूडिंग टिप। ओ 8.75 इंक्लूडिंग टिप है, तो $8.75 आपको मिले हैं 10 किलोमीटर कार चलाने के बाद। थोड़ा शाम हो गया इसलिए लाइट वैसी हो रही है, 10 किलोमीटर कार चलाने के बाद
और 15-20 मिनट हमको लगे, $8.75 इसमें आपको मिले हैं, जिसमें आपकी मेहनत भी लगी है, कार भी लगी है, गैस भी लगी है और टाइम भी लगा। वैल्यू निकाल लो, आपको पता चल जाएगा करनी है या नहीं, बट 20 मिनट के लिए आई थिंक इनफ है, पैसे काफ़ी है, ठीक है। तो अभी ये देखो यहाँ पे, तो ये अभी हॉटस्पॉट है, हम हॉटस्पॉट से इतना दूर, हम हॉटस्पॉट से दूर हैं, ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पे देखेंगे, हम जाएंगे हॉटस्पॉट पे। ओके, ये सारा कुछ पहले दिखा देता हूं, तुम्हें टिप दिखा देगा अगर पीक आवर पे कर रहे हो तुम। हाँ। पीक आवर भी पहले बता देगा कि पीक आवर का तुम्हें दो मिल रहा है, $3 मिल रहा है, जो भी है, तो सारा कुछ इंक्लूड करके कस्टमर टिप वगैरह एक साथ बताएगा, एक साथ बता देता है सब। बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे डिलीवरी करके, कोई पैसा नहीं है इसमें। पैसा है, अभी कंक्लूजन में पहुंचे नहीं, अभी पहुंचेंगे, देखते हैं एक तो डिलीवरीज और करके फिर लगाएंगे कि एक घंटे में, लगभग एक घंटे में कितना इसमें पैसा मिलता है। तो ये देखो, इसमें हमको वॉलमार्ट में ये पिकअप एरिया है वॉलमार्ट का, यहाँ हम जाएंगे और वॉलमार्ट वाले हमको सामान दे देंगे जो हमको पिकअप करना है और डेस्टिनेशन में छोड़ना है। इसके मिल रहे हैं 8.75 और मतलब टोटल मिला के, दूसरा भी है तो $13 समथिंग इसके मिलेंगे। तो ये है, इसमें ये भी है कि जैसे जैसे लोग सामान मंगाते रहते हैं और वैसे वैसे आपके पास ऑर्डर आते रहते हैं, कई बार ये होता है कि दो ऑर्डर सेम लोकेशन या सेम डेस्टिनेशन के आसपास ही होते हैं, तो आप अगर कहीं जा रहे हो आप दूसरा ऑर्डर भी बीच से उठा लेते हो और सेम जगह जाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो जितने ऑर्डर आप लोगे उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। जैसे हम अभी जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन के रास्ते में वॉलमार्ट था और जहां हमने जाना था वहां डिलीवर करना था, तो हमने वो भी उठा लिया, उसके मिल गए $13-14। तो एक तरह से आप ऐसे भी पैसे कमा सकते हो। तो अभी हमको 1 आवर भी नहीं हुआ है और हमने दो ऑर्डर उठा लिए हैं, एक ऑर्डर था $8.75 का, दूसरा ऑर्डर है $13 समथिंग का। टोटल मिला के एक घंटे से भी पहले हमने अभी तक कमाए हैं $20 से ऊपर ही कमाए, $21 कमाया, एक घंटा भी नहीं लगा हमको। तो अभी देखते हैं कितना इसका लमसम अमाउंट क्या होता है। 7 बजे ओके, तो दो ऑर्डर उठाने आए थे हम यहाँ पे, एक ऑर्डर, एक ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, लेकिन हमारा उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कैंसिल हो गया ऑर्डर, हमको उस ऑर्डर के 50% पैसे मिलेंगे, तो हमें आधा पैसे उस ऑर्डर के मिले हैं जो हमने पिक भी नहीं किया। ये भी होता है, तो अगर कोई कैंसिल कर देगा इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको उसके आधे पैसे मिल जाएंगे विदाउट एनीथिंग, बिना कुछ करे। तो अब हम चलते हैं, एक ऑर्डर हमारे पास अभी भी है, वो डिलीवर करने चलते हैं, घर के रास्ते में ही हैं, और फिर बात करते हैं इधर। ओके, इधर जाते तो सनसेट दिखाते, ये पीछे एकदम मस्त, इधर अंधेरा देख लो, इधर अंधेरा देख लो। तो ये हमने यहाँ पे सामान छोड़ दिया है, फोटो खींचेंगे और चलेंगे वापसी। तो एक और जाते जाते डिलीवरी हमने उठाई है, ये किसी को सामान डिलीवर करना है, ये भी इंस्टाकार्ट से है, मतलब हमको ग्रॉसरी या सामान जो उनको चाहिए वो खरीदना है और उनको पकड़ाना है। इसके लिए हमको मिल रहे हैं, तालियां बजाइए, अरे 9 बजे तो ये बंद हो रहा है, $25 भाई, 9 बजे तो बंद हो रहा है ये, पर 3 मिनट पे आ, क्या पता हम ले ही ले। $25 मिलेंगे जी इस काम के लिए, बहुत बढ़िया काम, उम्दा, चलो तेज चलो। तो घर जाने का पूरा इरादा था, लेकिन घर के पास ही, फिर से यही होता है इसमें, अगर घर के पास, एक मिनट, फोकस, अगर घर के पास आपको ऑर्डर मिल रहे हैं और आपके रास्ते में ही है तो क्यों ना उठा लो, कुछ पैसे कमा लो। वैसे भी हमारा फर्स्ट टाइम है तो हमको थोड़ा जोश अलग है इसमें, जस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो फिर अभी इंस्टाकार्ट का एक और ऑर्डर हमने उठाया है, जिसमें हमको सिर्फ शायद 10 आइटम उठाने हैं एक जगह से और दूसरी जगह छोड़ने हैं। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट 10 किलोमीटर के लिए गाड़ी चलाने के लिए अगर आपको $25 मिल रहे हैं तो क्या बुरा है, $25 एक घंटे में, एक घंटा भी नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा, आई थिंक आधा घंटा, 10 आइटम है, 10 आइटम है, 10 मिनट में हो जाएगा, तो उसके लिए आपको $25 मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, करना बनता है इसलिए हम कर रहे हैं। अभी हम करने जाएंगे, इसके बाद जाएंगे। तो लाइट नहीं आ रही होगी लेकिन आवाज़ सुन ले रहा,
कि यहाँ नो फ्रिल्स लास्ट में जहाँ हम आए थे वहाँ कार्ड नहीं चला तो हम ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इंस्टाकार्ट वालों ने पूरे पैसे दिए, पूरे के पूरे पैसे जितने भी डिलीवरी के थे, इवन तो डिलीवरी नहीं करी है हम लोगों ने, तो डोरडैश ने आधे दिए थे, इन्होंने फुल पैसे दिए, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो रात हो चुकी है, अच्छी लाइटिंग नहीं मिल रही है, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये डन, इस वीडियो को अगर समराइज करने के लिए या कंक्लूजन निकालने के लिए मैं ये बोलूँगा कि इस डिलीवरी जॉब में पैसा है, बहुत ज़्यादा नहीं है जितनी हाइप है, बट अच्छी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें काम कर सकते हो, आप जब मर्जी तब कर सकते हो, 24/7 ऑर्डर पिकअप कर सकते हो किसी भी तरीके के, जो आपको अच्छा लगता है, ऊबर ईट्स ऑप्शन है, डोर डैश ऑप्शन है, स्किप द डिशेस ऑप्शन है, तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर डिलीवरी ऑप्शन हैं, आप अपनी कार ले लो और जब आपका मन करे तब डिलीवरी करो, और बेसिक पे से थोड़ा ज़्यादा पैसा इसमें मिल जाएगा, आप सर्वाइव कर पाओगे, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है बट ठीक पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, आप कर सकते हो। बट मुझे एग्जैक्ट भी इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैंने अभी एक ही दिन करी है, एक ही बार ट्राई किया है, बट दो तरह की डिलीवरीज करी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था मुझसे यहाँ पे कि डिलीवरी की जॉब्स कैसी हैं, डिलीवरी में कितना पैसा है, तो इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे अगर मैं ऐसे वीडियो, अभी अच्छा रिस्पांस आएगा तो और भी ट्राई करूँगा और बताऊँगा क्या डिफरेंस है, कितने टिप्स मिलती है, क्या होता है आगे के, और वीडियो में बनाऊँगा। बाय। क्या पता हम और ऑर्डर उठा लें, तो फिर ये वाला